मॉर्निंग डियर ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, आप सब अपने अपने जॉब्स में बिजी है लेकिन हम यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। राइट सर, दुनिया की कोई भी जॉब, कोई भी डिग्री ऐसा घूमने का मौका नहीं देती। सही है। बहुत कम लोग हैं जिनको घूमने का मौका मिलता है, तो आज हम खुश नसीब है कि इंटरनेट की तरफ से हमको सेंस ऑफ माइंड अटेंड करने का मौका मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। ट्रेन के पीछे का राज क्या है, हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, लाइफ के हर एक मोड पे हम प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप सबसे रिक्वेस्ट है, कितनी प्रॉब्लम हो सेंस ऑफ माइंड को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है। यहाँ पर आपको सभी बिजनेस मॉडल समझाया जाएगा और अलग से भी आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसके बारे में डिस्कस होगा। तो अभी मिस हुआ, अगली बार मिस ना करिए। अगर मिस कर दिया तो समझ जाना आपने जिंदगी जीना का तरीका ही छोड़ दिया। जिंदगी का असल में हमारी लाइफ से लोग कैसे जीना है। सो आप जो है नेक्स्ट टाइम किस बात का ख्याल रखिए। और हमारे मुख्तार सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे। अभी मैं हमारे मुख्तार सर से कहूंगा तो कुछ दो बातें शेयर करिए हमारे लीडर्स। वेलकम सर, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर। बहुत खूबसूरत नजारा है पुणे का। यहाँ पे लगभग 5 या 6 दिन से रेगुलर क्या है फील्ड में रहने की वजह से आज बहुत मजा भी आ रहा है। आज परसों जो है कर्नूल के अंदर थे, भद्रभाषा सर की कार डिलीवरी थी और उसके साथ अधूनी में था मैं। अधूनी में होते हुए कल नाइट फिर पुणे के लिए आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 दिन का साइंस ऑफ माइंड प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हो रहा है। यानी कि अभी दोपहर का सेशन खत्म हुआ है, अभी इवनिंग बाकी है, रात बाकी है और कल का फुल डे अगर बाकी है। अगर आप भी अगर लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम, बॉस फ्रीडम अगर होना है तो विनफिनिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन करिए, आपके सपने को साकार करिए। थैंक यू विनफिनिट ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके सर, बोलो। हमारे जैसे कि मुख्तार सर ने बताया, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी काम करना, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि प्लेन और जहाज दोनों की इज्जत कहाँ पर है, लेकिन आप अगर दूसरे एंगल सोचेंगे, अगर आप बताइए कि प्लेन जो है वो आसमान में सेफ है या ज़मीन में, और जहाज जो है वो ज़मीन में सेफ है पानी में। तो प्लेन जो है वो जमीन पे सेफ है और जहाज भी है वो जमीन में सेफ है, लेकिन दोनों की इज्जत कहाँ है? पानी में और हवा में। जब प्लेन जो है हवा को चीरते हुए आगे निकलेगा तो उसकी इज्जत है, और पानी को चीरते हुए अगर जहाज आगे निकलेगा तो उसकी इज्जत है। वैसे और हम और आप है, अगर हमको और आपको इज्जत पानी है तो निकलिए अपने कम्फर्ट जोन से। सही है सर, 100% सर। कम्फर्ट जोन से निकलिए, अपनी जिंदगी को जीना शुरू करिए। 2 या 3 साल की मेहनत है, बाद में तो आप सोचने लगे इतनी खुशियाँ है। सो मंजिल ना मिले ये अलग बात है, हम घर से निकले वही गलत बात है। थैंक यू सर। शाबाश सर। थैंक यू वेरी मच सो मच सर।